Hello friends, welcome to my YouTube channel and today we are going to make बेसन का ढोकला। ढोकला एक गुजराती डिश है और उसको हम आज घर पे बनाना सीखेंगे। इसके लिए हमको चाहिए 1.5 कप बेसन, 1 कप दही, पानी ज़रूरत अनुसार, लाइम जूस, 1 इनो का पैकेट, 4 बड़े चम्मच सूजी यानी कि रवा, ग्रेटेड किया हुआ ग्रीन चिली एंड जिंजर, थोड़ा हल्दी, चीनी 1 चम्मच और नमक स्वाद अनुसार। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। अब जैसे कि आपने देखा है, हम एक पतीले में मैंने सारी इंग्रेडिएंट्स को ले लिया है, सिर्फ इनो और लाइम जूस को छोड़कर। और अब हम इसका एक अच्छा सा बैटर बनाएंगे। और ध्यान रखिए कि बैटर ज़्यादा थिक ना हो और ज़्यादा थिन भी ना हो। अब आप देख सकती हैं कि मैंने इसका एक अच्छा सा बैटर तैयार कर लिया है और ये बैटर ना तो ज़्यादा थिक है और ना ही ज़्यादा थिन है। और जो इसमें नींबू का रस और इनो डालना है वो हम बाद में डालेंगे। अभी हम इसको ढककर 3 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मेरा बैटर अभी फर्मेंट हो चुका है और अब हम इसमें 2 चम्मच नींबू का रस डालेंगे और ये जो इनो का पैकेट है हम इसको भी डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, हमने इसमें इनो को मिला के अच्छे से इसको घोल लिया है और आप देख सकते हैं कि इसका ये जो बैटर है ये थोड़ा फूल चुका है और अब हम इसको बॉइलिंग पे रखेंगे। अभी हमको एक बड़े से पतीले में थोड़ा पानी लेना है और पानी लेने के बाद उसमें एक स्टैंड लगा देना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे डाल के रखा है, और उसको पहले ही हमको बॉइल कर लेना है। ये जो बर्तन देख रहे हैं इसमें मैंने एक पेपर लगा दिया है और उस पेपर में मैंने थोड़ा ऑयल लगा के उसको ग्रीस कर दिया है और अब हम इसमें अपना मिक्सचर डालेंगे। मेरा जो पतीला था छोटा वाला जिसमें मैंने बैटर लगाया था, उसको मैंने पानी वाले पतीले में उसके अंदर में रख दिया है। अब हम इसको पूरे धीमी आंच पे 15 मिनट के लिए पकाएंगे और इसका ढक्कन हम बंद कर देंगे। अभी हम इसको 15 मिनट के लिए ऐसे ही पका लेंगे। 15 से 20 मिनट हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, इसका जो पानी है आप देख सकते हैं, सारा पानी मैंने निकाल दिया है। निकाल के इसको फिर से 10 मिनट के लिए हम ढक के ऐसे सूखे में ही पका लेंगे। फ्रेंड्स, अभी 10 मिनट हो चुके हैं और अब हम इसको चेक करेंगे। चेक करने के लिए आप कोई भी टूथपिक या फिर कोई भी स्टिक जैसा कोई सामान आप ले सकते हैं और लेके इसको बीच में सेंटर में आप डुबो के देखिए। अगर ये साफ निकल जाए इसका मतलब कि ये हो चुका है, लेकिन मेरा वाला अभी तक साफ नहीं निकला है, तो इसका मतलब कि ये नहीं हुआ है। तो इसको हम फिर से ढक के पकने के लिए रख देंगे। फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो ढोकला है वो बनके बिल्कुल तैयार है और जो इसको देख सकते हैं कि आप ये बहुत ही स्पॉन्जी बना है। इसको मैंने पलट के उसके बाद इसका जो पीछे का पेपर था वो मैंने निकाल दिया है और अब हम इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे। हम इसको फ्रिज में नहीं रखेंगे, इसको ऐसे ही रूम टेम्परेचर पर इसको रख देंगे। और चलिए फ्रेंड्स, अभी हम तैयारी करते हैं इसके तड़के की। तो फ्रेंड्स, अभी हम तैयार करेंगे हमारे ढोकले के लिए तड़का। तो इसके लिए मैंने लिया है यहाँ पे 2 या 3 चम्मच तेल, सरसों और ग्रीन चिलीज। ये जो ग्रीन चिली है इनको मैंने बीच में से थोड़ा काट दिया है ताकि ये जब हम इसको तड़का लगाएं तब ये हमारी फेस पे ना आए। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये जो तड़का है ये पूरा तड़क रहा है और अब हम इसको अपने ढोकले के ऊपर डाल देंगे। और फिर इसको हल्के से कोई भी स्पून के साथ इसको हम फैला देंगे।
तो हमारा ढोकला जो है ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी है, लेकिन अब हम इसके साथ एक और सॉस भी बनाएंगे जो इसके साथ बहुत ही अच्छा लगता है और ये बहुत ही डिफरेंट टेस्ट करता है, कुछ जैसे खमन ढोकला के जैसा। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने जो सॉस है उसके लिए, बहुत ही सिंपल सॉस है ये, उसके लिए मैंने लिया है आधा कप चीनी, आधा कप पानी और थोड़ा सा नमक, और इसको गैस पे चढ़ा दिया है जब तक ये अच्छा सा गाढ़ा ना हो जाए। तो अब हम इसको गाढ़ा करेंगे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा लाल दिखाई दे रहा है, ये और कुछ नहीं है, इसमें मैंने थोड़ा सा रेड चिली पाउडर डाला है ताकि ये थोड़ा कलरफुल दिखे। अभी आप देख सकते हैं ये जो चाशनी है इसमें एक अच्छा सा उबाल आ चुका है, इसको थोड़ा हम चम्मच से हिला देंगे। अभी हम इसको गैस पे से ऑफ कर देंगे। ध्यान रखिए कि इसमें एक तार वाली चाशनी ना हो, एक तार वाली जब मतलब आप उसको पकड़े और ऐसा एक तार जैसा निकले वैसा हमको नहीं चाहिए। तो ठीक है, अब ये हो चुका है, अब हम इसका जो फ्लेम है उसको ऑफ कर देंगे। परफेक्ट, इसको हम यहीं पे ठंडा होने के लिए रखेंगे और जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम इसको किसी एक कटोरे में निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये अच्छा सा चाशनी जैसा कुछ बन चुका है ये, लेकिन ज़्यादा गाढ़ा चाशनी नहीं है, ये एक तार वाला जो चाशनी हम बोलते हैं वैसा नहीं है, लेकिन ये अभी बहुत ही ज़्यादा गर्म है तो इसको हम यहीं पे छोड़ेंगे, ये जब ठंडा हो जाएगा तब हम इसको किसी एक कटोरे में निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने जो हमारा ये ढोकला है मैंने अब इसको काट दिया है और आप देख सकते हैं ये बहुत ही स्पॉन्जी बना है, ये आप देख सकते हैं ये बहुत ही स्पॉन्जी बना है। और अब हमने हमारा जो ये चटनी था, जो सॉस है, उसको भी मैंने एक बाउल में निकाल लिया है और आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी जो है ये बहुत ही अच्छी बनी है, ये ना तो ज़्यादा हैवी होना चाहिए और ना ही ज़्यादा लाइट होना चाहिए। आप देखिए मैंने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से इसको गार्निश कर दिया है, जो बीच में है ये हमारे जो चिलीज है वो है और साइड में मैंने इन ढोकलों को लगा दिया है, और ये जो हमारा सॉस है अभी हम इसको ऊपर से ही डाल देंगे। आप देख सकते हैं ये बहुत ही यम्मी दिख रहा है और बिलीव मी फ्रेंड्स ये खाने में भी बहुत ही यम्मी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज लाइक एंड शेयर इट। थैंक यू, बाय बाय।